हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेखा कुशवा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। और जैसा कि अभी रिसेंटली 5-10 मिनट पहले ही हमारा रिजल्ट आया है सीटेट का, सो अभी तक जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है वो फटाफट से सीटेट का अपना रिजल्ट देख लें और मुझे भी मेंशन कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप लोग मेंशन कर दें, यहाँ पर अपडेट कर दें कमेंट सेक्शन में। और जिन भी कैंडिडेट्स का सीटेट का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, क्रैक है, तो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी कैंडिडेट्स किसी न किसी वजह से रह गए हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स या किसी न किसी बड़े इशू की वजह से, तो अपना मोरल डाउन ना करें। नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का जनवरी टू फरवरी में आ जाएगा, तो उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को भी साथ के साथ कंटिन्यू रखिए। और जो कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हम ओबीसी से रिलेटेड हैं या जर्नल से एससी एसटी से हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है। इट मीन्स ओबीसी एंड एससी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन है। अगर आप 82 हैं, मतलब 150 में से अगर आपके 82 हैं, तो आप इजीली क्रैक हैं, मतलब कि क्वालिफाई हैं। और जर्नल के लिए नॉर्मली 90 हैं 150 में से, तो अगर आपके 90 नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं हैं, 90 हैं अगर आपके तो आप इजीली क्वालिफाई हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड मत कीजिए इस चीज़ को, और अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। और जो या जिन कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हो चुका है वो आगे के अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करें। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी की चीज़ें अगर आप लोगों को पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में या किसी भी ग्रुप से जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।